हेलो भाई नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ 13 RE जैसे कि आपका 13 mm ड्रिल मशीन में कैसे हम उसका स्विच का कनेक्शन करेंगे। ये वीडियो में बताऊंगा, पूरा जानकारी दूंगा। तो चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए, कॉइल में 4 तार निकलता है, 2 तार में हम पावर सप्लाई देते हैं और 2 तार में हम कार्बन को जैक कनेक्शन करते हैं। तो कार्बन में जो 2 तार कनेक्शन होता है उसको हमको रिवर्स फॉरवर्ड स्विच में कनेक्शन करना पड़ता है, फिर 2 कनेक्शन आ जाता है कार्बन में। तो ये उसका मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कार्बन में जो 2 कनेक्शन लगा था उसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 कनेक्शन, ये रेड वाला और ये 2 कनेक्शन व्हाइट वाला कॉइल से निकला है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये 2 जो तार व्हाइट अब दिख रहा है ये कॉइल से निकल गया है और ये गया है इनपुट हुआ है उसका रिवर्स फॉरवर्ड स्विच में, और 2 तार फिर 2 तार निकल जाता है और कार्बन में। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले व्हाइट वाला एक पॉइंट में लगा लेंगे, उसके पास में रेड एक लगा लेंगे, फिर व्हाइट जो कॉइल से निकला है उसके ऑपोजिट साइड में एक रेड लगाएंगे और वो रेड के पास में एक व्हाइट का कनेक्शन लगे। मतलब ये टेढ़ा कनेक्शन होगा, एक व्हाइट लग गया उसके पास में रेड लगने वाला है और उसके ऊपर जो रेड के ऊपर व्हाइट लगने वाला है मतलब उसके अपोजिट साइड में, यहाँ ये देखिए, और उसके पास में लगना है रेड। मैं एक नया स्विच यहाँ पे लाया, तो ये नया स्विच में सबसे पहले यहाँ पे एक कॉइल का कनेक्शन देंगे, फिर उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे एक कॉइल का कनेक्शन देंगे, फिर उसके अपोजिट साइड यहाँ पे रहेगा आपका कार्बन का कनेक्शन, फिर इसके अपोजिट साइड में कार्बन का कनेक्शन रहेगा। यहाँ पे देखिए, तो 2 कॉइल पॉइंट हमारा, जैसे कि कार्बन में जो 2 पॉइंट लगता है वो रिवर्स फॉरवर्ड स्विच में लग गया। अभी हमारा और 2 पॉइंट बाकी है, जैसे कि हम पावर सप्लाई देते हैं वो 2 पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2 नंबर जो लिखा है यहाँ पे हम एक कॉइल का पॉइंट देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख, और जो एक पॉइंट रह जाएगा उसको हमको डायरेक्ट करना है एक पॉइंट में जो नीचे जो कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप दोबारा देख लीजिए, व्हाइट के पास हम रेड लगा लेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में फिर उल्टा लगाएंगे, व्हाइट सबसे पहले व्हाइट फिर उसके पास में रेड, मतलब व्हाइट उसके ऑपोजिट में रेड लगने वाला है और फिर उसके पास में व्हाइट लगने वाला है, फिर उसके ऑपोजिट में रेड लगने वाला है। ये पूरा बहुत आसान सा चीज़ है, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपको समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर एक बड़ा वाला वीडियो बना के पूरा आपको टेस्टिंग करके जानकारी दे दूंगा मैं। यहाँ पे बस एक छोटा सा वीडियो बनाना था मुझे आपको जानकारी के लिए। अगर आपको शायद मुझे जो लगता है आपको आसानी से पता चलने वाला है, अगर नहीं चल रहा है तो अगर पता नहीं चल रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, इसके बारे में पूरा एक बड़ा वाला डिटेल्स वीडियो बना लूँगा, कैसे हमको चेक करना है, कैसे हम उसको चेकिंग करके फिटिंग करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए पावर टूल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है आप मुझे नीचे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या साइड में भी दे दूँगा आपको नंबर, आप वहाँ पर भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी चाहिए, एक छोटा सा स्विच भी चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके एरिया में मैं पार्सल कर सकता हूँ। पार्सल भी जा रहा है, बहुत एरिया में मेरा जा रहा है, ऑल इंडिया में मेरा पार्सल जा चुका है। तो आप भी ऑर्डर कीजिए, अगर आपको ज़रूरत है तो ऑर्डर कीजिए, पास में दुकान में मिल रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको 100% पार्सल मिल जाएगा। तो चैनल में नया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको रेड कलर का बटन मिल जाएगा और वहाँ पर जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए आपको इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्री में होता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।